दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और इविल नन का पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, बाबा की गाड़ी एक बड़े घर के सामने बंद पड़ जाती है, इसलिए वो शॉन को अपना स्कूटर लेकर अपने पास बुलाते हैं। शॉन गलती से बाबा को ढूंढते हुए एक सुनसान गाँव में पहुँच जाता है। उस पूरे गाँव में एक भी आदमी नहीं था। शॉन बाबा को ढूंढता है, लेकिन बाबा के नहीं मिलने पर शॉन बाबा को फोन लगाता है। शॉन ने बाबा से कहा कि मैं बड़े घर के सामने एक तालाब के पास बैठा हूँ, आप मुझे नहीं दिख रहे। बाबा ने कहा कि मैं जिस घर के सामने खड़ा हूँ वहाँ पे कोई तालाब नहीं है, लगता है तुम कोई गलत एड्रेस पर पहुँच गए हो। शॉन ने कहा, हाँ बाबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये बहुत ही सुनसान गांव है, पूरे गांव में मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा है, और मैंने अभी अभी एक घर के अंदर काफी सारे कंकाल देखे। अभी शॉन इतना बोल ही रहा था, तभी इविल नन शॉन को पकड़कर अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है। शॉन जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाबा ने शॉन से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन तभी फोन कट हो जाता है। बाबा फिर से शॉन को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन नहीं लगता। अब आगे की स्टोरी, बाबा बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। बाबा सबसे पहले गुल्ली को फोन लगाते हैं। गुल्ली फोन उठाता है। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने गुल्ली से कहा, तुम दोनों जल्दी यहाँ आ जाओ, शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में है। गुल्ली ने बाबा से कहा, क्या हुआ है शॉन को? बाबा ने गुल्ली से कहा, तुम दोनों सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, फिर मैं तुम दोनों को बताता हूँ। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, मैं और गुल्ली अभी वहाँ पर पहुँचते हैं। गुल्ली बुल्ली घर से निकलते हैं। गुल्ली फुल स्पीड में जा रहा था। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली बाबा के पास पहुँच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा के पास आते हैं और बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या हुआ है शॉन को? थोड़ी देर पहले मुझे शॉन का फोन आया था, शॉन ने कहा कि वो मुझे ढूंढते ढूंढते किसी गलत एड्रेस पर पहुंच गया था, वो किसी सुनसान गांव में पहुंच गया था, उस पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं था। शॉन ने मुझसे कहा कि उसने वहां के एक घर में बहुत सारे कंकाल देखे। मैंने शॉन को जल्द से जल्द वहां से निकलने को कहा, लेकिन तभी शॉन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और फोन कट हो गया। मैंने काफी बार शॉन को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन शॉन फोन नहीं उठा रहा। मुझे तो लगता है शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में है। गुल्ली ने कहा, हमें जल्द से जल्द शॉन को ढूंढना होगा। गुल्ली ने कहा, लेकिन हम शॉन को ढूंढेंगे कहा? बाबा ने कहा, हमें वो सुनसान गांव ढूंढना होगा जिसके बारे में शॉन ने मुझे बताया था। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, चलो जल्दी से चलकर वो गांव ढूंढते हैं। गुल्ली जीप स्टार्ट करता है। बाबा अपने स्टाइल में बोनट पे खड़े हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा वो सुनसान गांव ढूंढ रहे थे। तभी बाबा को सामने कोई दिखता है। थोड़ा करीब जाने पर बाबा को दिखा कि वो तो रॉड है। बाबा ने गुल्ली से कहा कि सामने रॉड खड़ा है, हमें रॉड से पूछना चाहिए, शायद वो सुनसान गांव के बारे में जानता हो। गुल्ली जीप को रॉड के पास ले जाता है। रॉड ने देखा गुल्ली बुल्ली और बाबा यहाँ आए हैं। रॉड ने कहा, बाबा इतनी रात को आप यहाँ, बताओ कौन सी आइसक्रीम दूँ आपको? बाबा ने रॉड से कहा कि हम आइसक्रीम खाने नहीं आए, हम शॉन को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर पहले शॉन का फोन आया था, वो कोई सुनसान गांव में पहुंच गया था। तभी शॉन जोर जोर से चिल्लाने लगा और फोन कट हो गया। बाबा ने रॉड से कहा कि तुम कोई ऐसे गांव को जानते हो जो बहुत ही सुनसान हो, वहां कोई भी आदमी ना रहता हो? रॉड ने बाबा से कहा, हाँ बाबा, मैं एक गांव के बारे में जानता हूँ जहाँ पे एक भी आदमी नहीं रहता, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ पर इविल नन रहती है, इविल नन ने वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया है। ये सुन के गुल्ली बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। बाबा ने रॉड से कहा, क्या तुम हमें बता सकते हो वो गांव कहाँ पर है? रॉड ने बाबा से कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। गुल्ली ने रॉड से कहा कि फिर तुम्हारी दुकान कौन संभालेगा? रॉड ने कहा कि मैं दुकान बंद करने वाला था, और वैसे भी इतनी रात को कोई आइसक्रीम खाने नहीं आता, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाबा ने रॉड से कहा कि ठीक है, तुम बैठ जाओ। रॉड जीप में बैठ जाता है। गुल्ली आगे बढ़ता है। रॉड गुल्ली को रास्ता बता रहा था। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा उस सुनसान गांव में पहुंच जाते हैं। गुल्ली ने कहा, वो देखो शॉन का स्कूटर। गुल्ली जीप रोकता है। गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड उस तालाब के पास आते हैं। बाबा ने कहा कि शॉन ने मुझसे कहा था कि वो इसी तालाब के पास बैठा था, हमें शॉन को यही आसपास में ढूंढना चाहिए। बाबा ने बुल्ली से कहा कि तुम शॉन को इसी घर के आसपास ढूंढो, हम सब बाहर जाकर दूसरे घरों में शॉन को ढूंढते हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा शॉन को ढूंढ रहे थे।
इविल नन सबको देख रही थी। जैसे ही बुल्ली शॉन को ढूंढ रहे तालाब के पास आया, इविल नन ने बुल्ली को पकड़ लिया। तभी बाबा की नजर बुल्ली पर पड़ती है। बाबा ने गुल्ली और रॉड से कहा, वो देखो, इविल नन ने बुल्ली को पकड़ लिया है, चलो बुल्ली को बचाने। बाबा के पहुंचने से पहले ही इविल नन बुल्ली को पानी के अंदर लेकर चली जाती है। बाबा पानी के अंदर देखते हैं। बाबा ने कहा, अरे इसके अंदर एक रास्ता है। बाबा ने कहा, मुझे लगता है ये दूसरी दुनिया का रास्ता है। इविल नन यहाँ से इंसानों को उठाकर दूसरी दुनिया में ले जाती है। बाबा ने कहा, हमें भी यहाँ से दूसरी दुनिया में जाना होगा। रॉड ने कहा, बाबा इसमें हमारी जान भी जा सकती है, इविल नन हमें जान से मार भी सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम इस दुनिया में वापस कभी ना आ सके। बाबा ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दूसरी दुनिया में जाकर बुल्ली और शॉन को बचाना ही होगा। तो दोस्तों, क्या होगा बुल्ली और शॉन का? क्या इविल नन बुल्ली और शॉन को मार देगी, या बाबा दूसरी दुनिया में जाकर उन्हें बचा लेंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 3। पार्ट 3 देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे।